अभी हम देखेंगे माइक चेकिंग। मोबाइल फोन में माइक बहुत प्रकार के मिलते हैं, जैसे अभी हमारे पास कुछ माइक हैं, हम यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये चाइना यूनिवर्सल माइक बोला जाता है इसे। ये माइक किसी भी फोन में वर्क कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। माइक चेक करने से पहले हमें इसके बारे में कुछ जानना होगा। पहले हम देख लेते हैं माइक में क्या होता है, कैसे यहाँ पे दो ये होते हैं। हमारी बोली गई हुई आवाज माइक से ही डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होती है। ये हमारे पास कुछ माइक हैं, उनको कैसे चेकिंग करना है, कैसे टेस्ट करना है वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि माइक में दो वायर हैं, इसमें एक वायर पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। माइक में पॉजिटिव नेगेटिव होता है। इससे पहले हमने पिछले चैप्टर्स में हम लोगों ने देखा था स्पीकर में, रिंगर में, वाइब्रेटर में, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं थे, इसमें एक ही वायर था। अभी यहाँ पे इसमें दो अलग अलग कनेक्शन है, एक पॉजिटिव कनेक्शन दूसरा निगेटिव कनेक्शन। स्पीकर और रिंगर में एक ही वायर थी इसलिए इसे एक ही कनेक्शन था, इसमें दो अलग अलग वायर लगी हैं इसलिए इसमें दो कनेक्शन है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। अभी एक पॉजिटिव निगेटिव कनेक्शन को हम लोग को चेक करना होगा, तो हम कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, स्पीकर में वन साइड सिक्स हंड्रेड टू 1800 ओम की रीडिंग्स आनी चाहिए। जैसे मैं यहां पे लिख दिया हूं, वन साइड 600 टू 1800 ओम की रीडिंग आनी चाहिए। ये वन साइड आनी चाहिए, ये रीडिंग्स वन साइड आनी चाहिए। कितना? 600 टू 1800 ओम की रीडिंग्स आनी चाहिए। माइक चेक करते समय हमें मीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पे ही रखना है। ये हमें दिखाई दे रहा है कंटिन्यूटी पॉइंट, ये एरो हमें देखना है। माइक चेक करने के लिए हमें मीटर कंटिन्यूटी पॉइंट, और जैसे मैंने बताया हमें माइक चेक करने के लिए वन साइड 600 टू 1800 ओम की रीडिंग्स आनी चाहिए। माइक को हमें दोनों तरफ चेक करना है। फर्स्ट थिंग, जब हम माइक पे पॉजिटिव पे रेड प्रोब, नेगेटिव पे ब्लैक प्रोब रखेंगे, इस समय कोई रीडिंग्स डिस्प्ले पे नहीं शो होनी चाहिए, या तो डिस्प्ले पे कुछ रीडिंग आके वापस चली जाएगी, मतलब कुछ रीडिंग डिस्प्ले पे शो होती है फिर वापस चली जाती है, फिर हम प्रोब चेंज करेंगे पॉजिटिव पे ब्लैक प्रोब, नेगेटिव पे रेड प्रोब रखेंगे, उस टाइम पे डिस्प्ले पे 600 टू 1800 ओम्स की रीडिंग टुकनी चाहिए। 600 टू 1800 ओम्स की रीडिंग हमें दिखाई देगी तो माइक ओके है। इसका मतलब हमें वन साइड 600 टू 1800 ओम्स की रीडिंग आनी चाहिए। अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं माइक कैसे चेक करना है। हमें रेड प्रोब ब्लैक प्रोब दोनों प्रोब हैं। यहाँ पे मेरे पास एक माइक है, अभी देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया माइक में वन साइड 600 टू 1800 ओम्स की रीडिंग आनी चाहिए। अब ये याद रखें, हमें माइक दोनों तरफ चेक करना है, यानी पहले पॉजिटिव पे रेड प्रोब, नेगेटिव पे ब्लैक प्रोब लगाना है, फिर माइक का प्रोब हमें चेंज भी करना है। अब ये हमेशा ध्यान रखें। अभी हम माइक टेस्ट कर रहे हैं। अभी हमें एक प्रोब पे मैं यहाँ पे कनेक्ट किया, दूसरा प्रोब मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे डिस्प्ले पे कुछ रीडिंग्स शो हुई, बाद में वापस चली गई। अभी मैं प्रोब चेंज कर रहा हूँ। प्रोब चेंज करने के बाद जब मैं ये टिप्स पे लगा रहा हूँ तो यहाँ पे 1057 मतलब 1060 करीब रीडिंग्स रुकी हुई दिखाई दे रही है। जैसा हम लोगों ने देखा था 600 टू 1800 ओम्स की रीडिंग आनी चाहिए, वो भी वन साइड। इसमें हम लोगों ने चेक किया तो एक तरफ नंबर डिस्प्ले पे शो हुआ फिर उसके बाद आगे चला गया, दूसरी तरफ 1000
ऑलमोस्ट 1000 करीब रीडिंग्स रुका हुआ था, इसका मतलब ये माइक ओके है। अब ये हमेशा याद रखें, हमें माइक को दोनों साइड चेक करना है, एक साइड डिस्प्ले पे रीडिंग्स आके रुकेगी 600 टू 1800 ओम के बीच में, दूसरे साइड प्रोब चेंज करने पे डिस्प्ले पे कुछ नंबर शो होके आके चले जाते हैं तो माइक ओके है। अगर डिस्प्ले पे दोनों साइड नंबर शो करे तो वो माइक हाफ शॉर्ट हो चुका है, अगर डिस्प्ले पे दोनों साइड नंबर शो होता है तो माइक हाफ शॉर्ट है। अगर कंटिन्यूटी या बीप की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे इस तरह बीप की आवाज़ सुनाई दे तो माइक शॉर्ट हो चुका है, फुल शॉर्ट हो चुका है। बीप की आवाज़ सुनाई दे रही है तो इसका मतलब है पॉजिटिव और निगेटिव वायर एक दूसरे में कहीं ज्वाइंट हो चुके हैं, कहीं जुड़ चुका है। पॉजिटिव और निगेटिव वायर जुड़ जाने से कंटिन्यूटी आती है माइक में। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया दो अलग वायर लगी हैं, एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव। अभी हम दूसरा माइक चेक करते हैं, अभी मैं रेड प्रोब पॉजिटिव पे, ब्लैक प्रोब निगेटिव पे लगाऊंगा। मेरे पास पे दो वायर दिए हुए हैं, एक यूनिवर्सल माइक है, ये माइक हर फोन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एक वायर पॉजिटिव पे दूसरा वायर निगेटिव प्रोब पे लगाया। इस समय डिस्प्ले पे रीडिंग्स रुकी हुई दिखाई दे रही है, डिस्प्ले पे कुछ रीडिंग्स दिखाई दे रही है जैसे आप देख सकते हैं। रीडिंग्स रुकी हुई दिखाई दे रही हैं। अब मैं प्रोब चेंज करता हूं, प्रोब चेंज करके देखेंगे। इस समय डिस्प्ले पे कुछ रीडिंग्स दिखाई नहीं दे रही है, यानी जब मैं रेड प्रोब पॉजिटिव पे रखता हूं और ब्लैक प्रोब निगेटिव पे रखता हूं तो डिस्प्ले पे कुछ रीडिंग्स शो नहीं कर रही हैं। जब मैं प्रोब चेंज कर रहा हूं, पॉजिटिव पे ब्लैक प्रोब निगेटिव पे रेड प्रोब लगा रहा हूँ तो डिस्प्ले पे कुछ रीडिंग्स आ रही है। जैसे मैंने बताया डिस्प्ले पे कितनी रीडिंग्स आनी चाहिए, 600 टू 1800 ओम की रीडिंग्स, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था वैसे ही रीडिंग्स 600 टू 1800 ओम्स के बीच में रीडिंग आनी चाहिए। वैसे ही जब हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे 900 या 1000 करीब रीडिंग्स आ रही है, जो 600 टू 1800 के बीच में रीडिंग है, इसलिए माइक ओके। तो इस प्रकार हमें सब माइक चेक करनी है कि कौन सा माइक सही है कौन सा खराब। ओके कंडीशन में वन साइड 600 टू 1800 ओम की रीडिंग्स आएगी, और फॉल्ट अगर वो माइक खराब होगा तो दोनों साइड रीडिंग आए। अगर माइक में दोनों साइड रीडिंग आती है या कंटिन्यूटी बीप की आवाज सुनाई देती है उस टाइम में माइक खराब होगा। इसलिए हमेशा ये याद रखें माइक में बीप की साउंड सुनाई दे तो माइक खराब है, या दोनों तरफ रीडिंग आए तो भी माइक खराब है, उस कंडीशन में हमें माइक चेंज कर देना है।